नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिर्जापुर में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बांग्लादेश के गृहमंत्री की सह अध्यक्षता में छठी मंत्री स्तरीय बैठक आज ढाका में। पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 150 लोगों के मारे जाने पर आज राष्ट्रीय शोक दिवस। इसराइल ने गाजा में 2014 के बाद दिन के समय सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हमास ने भी रॉकेट दागे। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज फ्रांस का मुकाबला क्रोएशिया से। बेल्जियम ने इंग्लैंड को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और एंजेलिक कर्बर ने सेरेना विलियम्स को हराकर पहला विंबलडन खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का सामना केविन एंडरसन से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले में सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के दो दिन के दौरे के आज दूसरे दिन श्री मोदी मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और चुनार के बालूघाट पर गंगा नदी पर मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़ने वाला पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे चंदईपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मिर्जापुर की यह तीसरी यात्रा होगी। बाणसागर परियोजना जिसे वह आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं लगभग 3400 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। श्री मोदी स्थानीय नदी बेलन पर दो पुलों का शिलान्यास भी करेंगे। जिले के हल्दिया विकास खंड के ग्रामीणों की यह बहुप्रतीक्षित मांग थी। इलाके में विशेष रूप से बरसात के दिनों में यातायात की सुगमता के लिए इन पुलों की मांग की जाती रही है। सुनील शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में बुद्धिजीवियों की सभा को संबोधित किया। इस आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के विकास पर आधारित मेरी काशी पुस्तक का विमोचन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी तथा वाराणसी गैस वितरण परियोजना और वाराणसी बलिया ईएमयू का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र तथा स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे मिशन के तहत कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ और वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत बताते हुए कहा कि देश के पूर्वी हिस्से का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इस रोड के बन जाने से पूर्वांचल के किसान भाइयों बहनों का अनाज, फल, सब्जी, दूध कम समय में दिल्ली की मंडियों तक पहुंच पाएगा। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन की भी घोषणा की और वाराणसी के लोगों से प्रवासी भारतीय अतिथियों का आत्मीय स्वागत करने की अपील की। भारत बांग्लादेश गृहमंत्री स्तर की छठी वार्ता आज ढाका में होगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री ने कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात में आतंकवाद समेत द्विपक्षीय चिंताओं पर चर्चा की और कहा कि अगर क्षेत्र के सभी देश एकजुट हो जाएं तो आतंकवाद जड़ से समाप्त किया जा सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की जमीन से किसी अन्य देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि नहीं करने देने का रवैया दोहराया। गृहमंत्री ने विश्व में भारत के सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन किया ताकि आवेदकों के प्रतीक्षा समय में कमी लाई जा सके। अति आधुनिक भारतीय वीजा केंद्र दो चरणों में ढाका में स्थित वर्तमान केंद्र का स्थान लेगा।
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी में एक नौका के उलटने से 6 लोग लापता हो गए हैं। इस दुर्घटना में 10 लोगों को बचा लिया गया है। नौका में 32 लोग सवार थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा त्वरित बल, अग्निशमन दल और राजस्व विभाग ने कल देर रात तक बचाव कार्य किया, जिसे आज सुबह फिर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जिले के अधिकारियों से बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी पर मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जीएसटी कर नहीं जमा कराने वाले लोगों को तलाशने के लिए डाटा विश्लेषक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कल बेंगलुरु में जीएसटी की 9वीं बैठक के समापन के बाद संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी नेटवर्क एक तीसरी आंख है जो ऑनलाइन किए गए सभी लेनदेन पर नजर रख सकती है। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किए गए आतंकी हमलों में लगभग 150 लोगों के मारे जाने के कारण आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नसीरुल मुल्क ने गृह मंत्रालय को इस आशय की औपचारिक अधिसूचना जारी करने को कहा। इस बीच बलूचिस्तान में हुए आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में मुत्तहिदा मजलिस अमाल पार्टी के अकरम खान दुरानी की रैली पर किए गए बम हमले में 5 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कल गजा में 2014 के युद्ध के बाद दिन में सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इसके जवाब में हमस ने भी इजरायल पर दिन भर दर्जनों रॉकेट दागे। गजा में हवाई हमले में 2 फलिस्तीनी किशोर मारे गए, जबकि रिहायशी इलाके में गिरे एक रॉकेट से 3 इजरायली घायल हो गए। गजा में 25 लोग घायल हुए। हमस के प्रवक्ता फाउजी बरहुम ने बताया कि दिन में बाद में संघर्ष विराम पर सहमति हुई। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि गजा पट्टी पर कामकाज देख रहे इस्लामिक मूवमेंट तनाव रोकने के लिए मिस्र के प्रस्ताव पर संघर्ष विराम पर सहमत हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा आज मनामा में दूसरी संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में व्यापार, निवेश और आतंकवाद पर काबू पाने में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की आशा है। आयोग की पहली बैठक फरवरी 2015 में नई दिल्ली में हुई थी। श्रीमती स्वराज कल 2 दिन की यात्रा पर मनामा पहुंची थीं। उन्होंने बहरीन में कल भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संत शिरोमणि कबीर प्रकट दिवस में भाग लेने के लिए फरीदाबाद जाएंगे। इस समारोह का आयोजन धानक सभा फतेहाबाद और संत कबीर धानक समाज कर्मचारी कल्याण संघ हरियाणा मिलकर कर रहा है। रूस में 21वें फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट में कल बेल्जियम ने इंग्लैंड को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और ब्यौरा खेल डेस्क से। बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के साथ विजयी विदाई ली। बेल्जियम ने 4th मिनट में ही थॉमस म्यूनियर के गोल की बदौलत इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया। पहला अटैक और ये पहला मौका बिल्कुल कामयाबी। थॉमस म्यूनियर 10वें खिलाड़ी बन गए हैं बेल्जियम के लिए जिसने इस वर्ल्ड कप में गोल किया हो। इंग्लैंड के कोच गैरेथ साउथगेट ने टीम में 4 बदलाव करते हुए इस विश्व कप में अपनी सबसे युवा टीम उतारी थी, लेकिन टीम के टॉप स्कोरर और कप्तान हैरी केन तथा उनके साथियों ने कई मौके गंवाए। 82वें मिनट में एडन हजार्ड ने डी ब्रूने से मिली गेंद को गोल में डालकर बेल्जियम को 2-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। इसके साथ ही बेल्जियम ने विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। बेल्जियम 2 इंग्लैंड 0। हजार्ड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। रेड डेविल्स के नाम से मशहूर बेल्जियम विश्व कप के इतिहास में ऐसी 4th टीम बन गई है जिसने 6 मैच जीते लेकिन विश्व कप उसके हाथ नहीं लगा। फाइनल में आज फ्रांस का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल जगत की कुछ अन्य खबरें नवीन सक्सेना से।
जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने पहली बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन से होगा। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज बैंकॉक में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। हॉकी में बेल्जियम के एंटवर्प में 6 देशों के टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने भी कल शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 वर्ग के शुरूआती मैच में आयरलैंड को 4-1 से हरा दिया। कल ही चेक गणराज्य के प्रेजन में होप्स जूनियर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में भारत के सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में कल इंग्लैंड ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में लॉर्ड्स में भारत को 86 रन से हराकर श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली। तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को लीड्स में खेला जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उनका मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय के समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों से निपटने का हर संभव प्रयास कर रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण का संरक्षण करने के लिए सरकार नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास और विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ विकास के लिए प्रतिबद्धता को आज के अखबारों ने महत्व दिया है। विवादित बोल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ने की खबर हरिभूमि और अमर उजाला ने दी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है कोर्ट ने थरूर को तलब किया। अमर उजाला ने इतिहास रचने वाली एथलीट हिमा दास को असम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की खबर दी है। राष्ट्रीय सहारा ने हिमा दास की सराहना में प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है राष्ट्रगान गाते समय हिमा के चेहरे के भावों ने मन को छू लिया। राष्ट्रपति द्वारा 4 जानी मानी हस्तियों रघुनाथ महापात्र राम सकल सिंह सोनल मान सिंह और राकेश सिन्हा को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की खबर लगभग सभी अखबारों ने उनके चित्र के साथ मुख पृष्ठ पर दी है। पुरी में वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा के विहंगम चित्र अधिकांश अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। फुटबॉल में आज फ्रांस और क्रोएशिया के बीच विश्व कप फाइनल को जनसत्ता ने बड़ी सुर्खी बनाया है। लिखा है अनुभव और जोश के बीच होगा फाइनल मुकाबला। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है दक्षिण में तेजी से बढ़ रही है हिंदी की धमक। अखबार ने जनगणना के भाषाई वितरण के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा है सही मायने में देश की संपर्क भाषा बनी हिंदी, लेकिन उत्तर भारत में दक्षिण की भाषाएं बोलने वालों में कमी आई है। यूपीएससी की सिविल सेवा के प्रारंभिक परिणाम में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के सफल होने की खबर अमर उजाला में है। दैनिक भास्कर ने लिखा है देश में पहली बार बिना लाइसेंस की दवा कंपनियों को पकड़ने के लिए बनाया गया है इंटेलिजेंस सेल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिर्जापुर में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बांग्लादेश के गृहमंत्री की सह अध्यक्षता में 6ठी मंत्रिस्तरीय बैठक आज ढाका में होगी। पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 150 लोगों के मारे जाने पर आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का फैसला। इसराइल ने गजा में 2014 के बाद दिन के समय सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हमस ने भी रॉकेट दागे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज फ्रांस का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।